ये हम पार्क के अंदर हैं, तो यहाँ पे हम अपनी साइमा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। राणा सफारी पार्क। हाँ जी, तो ये पूरा पार्क जो है ना बांस के ऊपर बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। टोटल जंगल है और यहाँ पे गधा गाड़ी आपको मिलेगी, बैल गाड़ी मिलेगी, उसके अलावा जो है ना टांगा घोड़ा मिलेगा। ये देखो गहरी छाव और ट्रेन भी है जिसपे आप सफर कर सकते हो, ऐसे पैदल आप नहीं घूम सकते। ये 250 एकड़ के अंदर ये पार्क है, तो इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, और सारा बांस के साथ ही कवर किया हुआ है। अब ये चीज देखो, सफाई सुथराई देखें आप, सड़कें कैसे क्लीन है। जी, हर दो मिनट में गधा गाड़ी आए, गधा गाड़ी आए, क्रॉसिंग भी होती है यहाँ। अरे यार उनका तो अपना मजा है, ये यहाँ पे झूला भी है, एंजॉयमेंट है यहाँ पर बहुत मजा। बहुत ये देखें आपकी साइमा, हम आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। हानिया भी यहाँ पे आके बहुत खुश होती है। जो भी है चले, हम आपकी आंखों से देख लेते हैं आपकी तरफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये जी आपकी साइमा के लिए हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना ज़्यादा मिस करने का। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं। दरअसल जिस दिन के आप लोग हैं, हमने भी मिलकर नाश्ता नहीं किया, बल्कि नाश्ता किया ही नहीं है, सीधा हम लंच पे ही चले जाते हैं। आप लोगों की वजह से हम भी यानी कि नाश्ता एक साथ कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, तो इंजॉय कीजिएगा। मैं भी बहुत मिस करती हूँ, हानिया भी बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ये एक समझो एक बहन की दुआ है। तो अच्छा, मुझे एक बात की ना समझ में नहीं आ रही, तो मैं ना वो अपने ना वाइटी वालों से ना पूछना चाहूँगी आवाम से कि दिलवर भाई, चलो वो उसको आप लोग बोल रहे हैं कि उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, उसके पास उसकी एजुकेशन नहीं है, बात मैंने मान ली। चलो उनके पापा ने जैसे कि उनकी बोला कि हम लोग मांगते थे, जो मांगने वाला बंदा पढ़ा कैसे सकता बच्चा, चलो ठीक हो गया, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि वो बदतमीज़ है, वो जैसे आप लोग उसको बोलते हैं कि वो मैं अल्फाज तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो आप भी बोलते, मैं भी बोल लेती हूँ कि वो दगड़दल है, वो गंदा है, वो जनाई है, वो वगैरह वगैरह, जैसे आप लोग अल्फाज यानी कि बोलते हैं उसके लिए, आप लोगों से ही सुना मैंने, तो आप लोग उसके मुतलिक ऐसे अल्फाज बोलते। फिर मुझे एक बात की, ये इस बात की समझ में नहीं आती कि जब भी हर बंदा जितने भी वाइटी पे वीडियो को यानी कि सलाम अपनी वीडियो बनाते हैं, तो सलाम करने के बाद पहले फिर उसी बंदे का नाम क्यों लेते हैं? आप लोगों की वीडियो यानी कि स्टार्ट उसी के नाम से, दगड़ दले के नाम से स्टार्ट होती है, अगर व्यूज़ भी मिलते हैं तो दगड़ दले के नाम से ही मिलते हैं, उसकी वीडियो आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके नाम से स्टार्ट करते हैं और एंड भी उसी पे करते हैं, घुमा फिरा के आप लोगों ने आके बात दिलबर भाई पे ख़त्म कर देनी होती है, ठीक हो गया ना। तो आप लोगों को पता है कि दुनिया में कोई बंदा इतना क्या बोलते हैं कि अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता, अगर वो इतने बुरे होते, अगर वो अब वो किसी के घर में रह रहे हैं, किसी की फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे, फैमिली वाले लोग रखे, अगर वो इतना बुरे इंसान हो तो वो उस लोग अपनी फैमिली में उनको अपने साथ क्यों रखते हैं, ये मुझे बताएं। मैंने पहले बोला कि हर बंदा हर बंदे के लिए अच्छा भी नहीं होता, हर बंदा हर बंदे के लिए बुरा भी नहीं होता, तो आप लोगों से लोग कह रहे हैं कि उसकी ना परवरिश अच्छी नहीं हुई। खैर मुझे परवरिश क्या नहीं पता उनकी कि अच्छी हुई है या नहीं हुई, ताकि मैं उस टाइम ना थी ना मैं जानती थी। देखो मैं जितनी जब से मैं जान रही हूँ और अभी तक जो गुजरा जो बीता वो मैं बयान कर देती हूँ, मैं किसी की साइड लेके क्यों बैठूँ, मैं किसी ना बुरा कहूँगी ना मैं अच्छा कहूँगी। देखो अगर वो बुरा बोलेगा ठीक है, मैं बुरा रखूँगी सामने, जब तक अच्छा है तो अच्छा है, ताकि मैंने अपना हिसाब किताब देना है। लेकिन ये बात ना मेरी समझ में नहीं आ रही, जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा नफरत करते, मैं फ़र्ज़ है मैं किसी से नफरत करती हूँ, तो मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद ना करूँ, फिर ये लोग वीडियो में हर वीडियो में उसी का जिक्र क्यों करते, लाइव लगा लो तो उसका जिक्र, तो वीडियो बनाओ उसका जिक्र, जो भी है तो फिर लोग उसका नाम क्यों लेते हैं, जो एक बंदे के नफरत के काबिल है, वो एक बंदा गंदा है, बुरा है, झूठ है, फ्रॉडी है, धोखेबाज है, वगैरह वगैरह जो भी है आप लोगों की नज़र, फिर वीडियो का आगाज़ उसके नाम से क्यों, नफरत करते उसका नाम ना लो आप लोग, आप लोग बोलते भी हम आपसे नफरत करते, हम तो आपका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। दूसरी बात ये है कि चलो सनिया भी आप लोगों को खैर नहीं पसंद, तो फिर ये टॉपिक उनका आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते,
ये मेरे जहन में बहुत सारा सवालिया निशान पैदा हो रहा है, किस वजह से क्यों आप लोग उसका नाम लेते हैं, आप छोड़ दें भी उसका जिक्र। मैं नहीं ये कहती कि दूसरा किसी को मैं बात लगा के कर रही हूँ या मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी, जाहिर सी बात है सारा दिन वाइटी भी होते हैं, वीडियो देखते हैं, हर बंदे ने उसकी तस्वीर देखो। मैं ये सोच रही कि पता नहीं भाई यार कितने चैनल बन गए न्यू, उन्होंने ये दिलबर की तस्वीरें लगाई हुई हैं। एक बंदा नफरत के काबिल है, उसको क्यों उछाल रहे हैं भाई, उसको एक साइड पे करो, उसको तो कहो भाई हम तेरा ना अपना वीडियो क्या, हम तो तेरा ना लेना भी पसंद नहीं करते। फिर हर बंदे ने न्यू चैनल बनाए, उसने उसी की तस्वीरें लगाई, उसी का जिक्र, उसी का जिक्र। मेरी बात ना ये हजम नहीं हो रही, तो आप लोग प्लीज ये तो मुझे बताएं। देखो हम अच्छे हैं बुरे हैं, वो अच्छा है बुरा है, चलो हम एक एक जैसे हैं, मान लिया हमने बात, इसको कबूल कर लिया। तो आप लोग इस बात का, अब सुबह हो गई यानी कि स्टार्ट हो गई है तकरीबन 7-8 बजे से ना वीडियो आना स्टार्ट हो गई, उसमें उसी की पिक लगी हुई, उसी का जिक्र, उसी की पिक, उसी का जिक्र, उसी की पिक, उसी का जिक्र, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। मैं तो बड़ी इस बात में हूँ कि यार किस किस्म के लोग हैं, यानी कि उसी का जिक्र, उसी से नफरत, उसी के नाम की वीडियो, तो उसी के नाम के टाइटल, उसी के नाम का सारा कुछ, मेरी समझ से प्लीज बाहर है। तो अगर कोई हो तो ये प्लीज कोई बना, ये तो मुझे वजह बता दे, ताकि मैं तो वाईटी पे नहीं हूँ, मुझे खैर इतना कुछ नहीं इलम, ना मुझे ऐसे में बोलूँ कि मुझे व्लॉगिंग आती है, ना मुझे रिएक्शन देने आते हैं। मुझे जो बात सामने रिएक्शन देने आते हों तो मैं लगा लगा के और भी बातें करूं, खैर ये मुझे नहीं अभी करने आते, सीख जाऊंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं कुछ जो है उनको देख रही हूं, तो रिएक्शन वाली साइड पे खैर मैंने आना भी नहीं है, मैं नहीं ऐसा दिल आजारी वाले अल्फाज किसी को नहीं बोल सकती, तो लेकिन मैं अब वीडियो बनाऊंगी तो अपनी बनाऊंगी। तो लेकिन ये है कि प्लीज़ इस पे एक बंदा कोई कोई वीडियो बना दे, तो वीडियो बना के साथ मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा, कि मुझे ये तो पता चले कि भाई उसी के नाम की वीडियो, उसी के नाम का टाइटल, वो एक गंदा है, वो दगड़ दल्ला है, वो बगैरत है, वो कंजर है, वो लुच्चा है, वो ये है, तो वो है, फलां है, वो ये है, तो फिर ये वीडियो उसके नाम की क्यों। मैं बस इस बात का, मुझे सवाल का सारे जवाब दे दे, मैं बाकी किसी से कोई सवाल का जवाब नहीं मांगूंगी कभी भी। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग हैप्पी हैं, तो ना किसी बात का गरूर है, जो है वो है, हम ना दिखावा करते हैं, ना मेरे पास तो मासूमियत नहीं है, ताकि मुझे मासूमियत का ढोंगर चाना नहीं आता, मुझे आदत है हकीकी बात करने की, मैंने किसी को लगा के बात नहीं करती, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से, मुझे तो बिला वजह मैं हर बार कही जा रही हूँ कि यार आप लोग मुझे बिला वजह घसीट देते हो मेरे ही किसी में का। हाँ जिस फैमिली से हमारा रिलेशन है, जाहिर सी बात है सुननी तो मुझे पड़ेगी, तो कोई मसला नहीं है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि मैं जो बात है वो बोल देती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का ना ज़रूर आप लोगों ने किसी ने बताना है कि प्लीज़ बेशक अच्छे लफाजों में बताइएगा बुरे में, लेकिन मुझे उम्मीद तो यही है कि आप मुझे बुरे लफाजों में ही बताएंगी, ताकि पता होता है ना, तो अच्छे लफाज वाइटी ये बात मुझे हज़म ही नहीं हो रही, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों की वीडियो का वेट करूँगी, कि उस जिससे हम नफ़रत करते हैं उसी का, मैं जिसे मैं नफ़रत करती हूँ ना, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेती अपनी जबान पे, कुछ भी हो जाए, बेशक मुझे घाटा पड़ जाए, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। तो आप लोग अगर, अब बहुत ज़्यादा मुझे पता है वाइटी वाले भाई से नफरत करती हैं, तो फिर उसका जिक्र, टाइटल, नाम, ये ज़रूर मुझे, ये मेरे दिमाग में ज़रा सवालिया निशान बन गया, प्लीज़ ये ज़रा मेरा क्लियर कर दीजिएगा आप लोग।